भी हमारे साथ है। अबे आप बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए, और माफ़ी भी चाहता हूँ, आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ा, थोड़ी देर से मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? अब हम FIs की बाइंग देख रहे हैं, कॉर्पोरेट में मेगा पॉलिसीज में फ़र्क देख रहे हैं, मर्जर्स देख रहे हैं, अब आपको लगता है कि बाजार अब पॉजिटिव डाइजेस्ट करेगा, नेगेटिव अब खत्म? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जो है वो एक्चुअली मीडियम से लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स ड्रिवन रहता है। तो अगर कंपनीज की अर्निंग्स एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एक्टिविटी अच्छी रहेगी, एनालिस्ट अपग्रेड होंगे, तो बाजार में पैसा जरूर आएगा। आप देखें, पिछले 6 महीने से FPIs की लगातार सेलिंग है। $36 बिलियन का उन्होंने एग्जिट ले लिया, और उसके सामने $26 बिलियन आया डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा तो आ ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, सब ने बड़ा डिसिप्लिन से अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। और थोड़ा भी रिवर्सल आता है FPI फ्लोज का, और वो भी मुझे दिख रहा है पिछले हफ्ते से, अगर आप कहें, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स हैं, FPI इन्वेस्टर्स, जो वापस इंडिया में एंट्री कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो लें, क्या स्टॉक्स लें। तो ये FPI फ्लोज आएंगे, तो ये टेक्निकल रीजन से, एक तो मुझे लगता है मार्केट स्टेबल भी होगा और पिकअप भी करेगा। दूसरा, अर्निंग्स की बात करें तो ये काफी एक एक्टिविटी है कॉर्पोरेट लेवल पे, स्पेशली इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जो आज हमने देखा मेगा अनाउंसमेंट के थ्रू कि कैसे कॉम्पिटिटिव ज्यादा बने, कैसे अर्निंग्स इंप्रूव करें, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करें। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा साइन है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो वो देखें कि हाँ, इस बड़ी कंपनीज हैं, वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम कॉस्ट स्ट्रक्चर अपना इंप्रूव करें, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करें। तो इन दोनों को देखने से मुझे लगता है कि मार्केट ना ना केवल यहाँ से स्टेडी रहेगा, बट थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months, एज अर्निंग्स ऑल्सो स्टार्ट कमिंग इन एंड पीपल रियलाइज दैट अर्निंग्स आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, और इस बार थोड़ी बड़ी मुलाकात होगी जब आपसे हम दूसरी बार जुड़ने वाले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के।